की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें हम जानेंगे कि जो TCS है वो अब आपको पता है कि सेल्स ऑफ गुड्स पे भी एप्लीकेबल हो चुका है एंड सभी गुड्स पे एप्लीकेबल हो चुका है। पहले जो हम TCS कलेक्ट करते थे वो हम कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे करते थे, राइट। तो TCS सभी गुड्स पे एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। एंड इसमें हमें कैसे टैली पे प्रोसेस करना होगा, कैसे आपको ट्रांजेक्शन्स पास करनी है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। हाँ, लेकिन अभी तक टैली सॉफ्टवेयर ने TCS के लिए जो चेंजेस बजट में आए हैं, जो चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ अभी टैली में अपडेट नहीं किया है, बट स्टिल जितना पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब हम टैली का अपडेट वर्जन हम देखेंगे, जब टैली का अपडेट वर्जन आएगा जिसमें TCS से रिलेटेड चेंजेस के होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो आप मेंटेन करोगे वो करना इजी हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा सा हमें मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट स्टिल करना अगर आपने सीखना है तो वो आप इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे TCS क्या होता है। TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसा कि आपको पता है हम TDS यूज़ करते थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम क्या करते थे, डिडक्शंस करते थे। जो भी हम स्पेसिफिक हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस दी होती थी कि अगर आप किस टाइप की पेमेंट्स आप करेंगे तो आपको इसमें जिसको जो पर्सन को आपको पेमेंट करना है उनको आपने TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना होता था। एंड जो TDS का अमाउंट होता था वो हम गवर्नमेंट को पे करते थे। एज इट इज़ TCS में क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज द टैक्स पेबल बाय अ सेलर विच ही कलेक्ट्स फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पे बायर से कलेक्ट किया जाता था। सेक्शन 206C में हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड गुड्स थे जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए थे। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गवर्न्स द गुड्स ऑन विच द सेलर हैज़ टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द परचेजर। तो जो सेलर होता था वो बायर से टैक्स कलेक्ट करता था कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे, एंड उस पर गवर्नमेंट ने TCS के जो रेट्स थे वो भी सेट किए हुए थे। तो हम नॉर्मल TCS जो होता था वो गवर्नमेंट को पे करते थे कलेक्ट करके, और वो भी स्पेसिफाइड गुड्स पे ही पे करते थे। ओके, एंड हु कैन कलेक्ट TCS, TCS कौन कलेक्ट कर सकता था, सेलर्स कौन कौन से होते थे, मतलब ऐसे कौन से डीलर्स होते थे जो TCS कलेक्ट कर सकते थे। वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैचुरी कॉरपोरेशन अथॉरिटी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन और HAF हु इज सब्जेक्टेड टू एन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जिसका सेक्शन 44AB के अंदर जो अकाउंट्स है वो ऑडिट हुआ हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो सभी लोग TCS कलेक्ट कर सकते हैं एज अ डीलर। अगर वो सेल करते हैं किसी को भी तो वो TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन 206C में एक सब सेक्शन ऐड हुआ है 1H के नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये जो एप्लीकेबल हुआ है ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है। एंड इसमें आपने देखना है कि कौन से सेल ऑफ गुड्स, एंड आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेल ऑफ गुड्स की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो सर्विसेज पे कोई TCS एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है। ओके, द TCS इज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट विच इज ग्रेटर देन 50 लाख एंड रिसीव्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। अगर आप 1 अक्टूबर 2020 के बाद अपने कोई भी रेसिपेंट से, अपने कोई भी कस्टमर से 50 लाख रुपीस से ज़्यादा रिसीव करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस पर्सन से TCS भी कलेक्ट करना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसका जो परसेंटेज है वो क्या होगा, द रेट ऑफ TCS इज 0.1% एंड प्रेजेंटली ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक 25% डिस्काउंट हैज़ बीन गिवन इन दिस टैक्स रेट till 31st March 2021 and its effective rate is 0.075%. It means कि यहाँ पे अभी जो 1st October से TCS on sales of goods applicable हुआ है सभी goods के लिए, और वो भी उन्हीं सिर्फ customers के लिए जिनसे हमें एक financial year में 50 lakh rupees से ज़्यादा receive हम करते हैं, उनके उन पे हमें TCS को collect करना होता है। and इसका जो percentage है वो 0.1% फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, बट अभी कोरोना की जो सिचुएशन है उसकी वजह से अभी 25% हमें डिस्काउंट मिला हुआ है। तो 31st March 2021 तक आपको जो टैक्स एप्लीकेबल करना है TCS पे वो 0.075% ही करना है। एंड आफ्टर दैट जब 1 अप्रैल 2021 से न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसका जो TCS रेट होगा वो 0.1% ही हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने जो TCS कलेक्ट करना है वो 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पे करना है। अगर 50 लाख से ज़्यादा की आप सेल कर रहे हैं एंड वो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसके जो ऊपर 50 लाख से ऊपर जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे उसके ऊपर हमें TCS कलेक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट है दो सेलर हुज टर्नओवर और रिसिप्ट फ्रॉम द बिजनेस फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़ शेल बी लाइबल फॉर द कलेक्शन ऑफ TCS। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में देनी है कि कौन से ऐसे सेलर्स होंगे जो TCS कलेक्ट करेंगे। वो सेलर्स जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जिनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ था, सिर्फ उन्हीं को ही TCS कलेक्ट करना है, बाकी सेलर्स को TCS कलेक्ट नहीं करना है। एंड कस्टमर के केस में अगर आपने कोई भी कस्टमर से मोर देन 50 लाख रुपीज़ रिसीव किए हैं तो आपको TCS कलेक्ट करना होगा कस्टमर से, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद आप देखेंगे TCS रेट्स फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स। अगर इसमें देखिए जैसे TDS के लिए हमारे पास पैन जरूरी होता था ना, कि अगर आप पैन नहीं लगाएंगे, पैन फर्निश नहीं करेंगे तो आपका जो टैक्स रेट होता था वो इंक्रीज होके हो जाता था, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे पैन अगर आप फर्निश करते हैं तो 0.075% होगा एंड 1 अप्रैल से 0.1% होगा। लेकिन अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं तो आपका 1% रहेगा एंड आफ्टर दैट भी आपका 1% ही कैलकुलेट होगा अगर पैन फर्निश नहीं होगा तो। ओके, तो आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आपके जो भी डेटर्स हैं जिनको आप सेल करते हैं, उन पे आपको ये सारा कुछ मेंटेन करना होगा, उनकी पैन डिटेल्स मेंटेन करनी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेबल करवानी होंगी। ओके, उसके बाद व्हेन TCS सेक्शन 206(c)(1)(h) नॉट एप्लीकेबल, किस केस में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, जो ये सब सेक्शन आया 1H 206 सेक्शन के अंडर कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको मैंने जैसे अभी बताया है, अगर आपका जो एज अ सेलर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से कम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में, तो आपका ये सेक्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है इफ रिसीवेबल अमाउंट अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस फ्रॉम बायर इज लेस देन 50 लाख रुपीज, अगर 50 लाख रुपीज से कम रिसीव कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं करना है। इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको TCS कलेक्ट नहीं करना। इन केस द सेल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी के साथ अगर आप कुछ डीलिंग करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो उसमें भी आपको TCS को कलेक्ट नहीं करना है। इन केस द ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाई TDS अंडर एनी अदर सेक्शन, अगर कोई नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी TDS के अंदर आ रही है तो जिसके ऊपर TDS डिडक्ट होता है वो भी आपका TCS में एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इन केस गुड्स बींग सोल्ड आर कवर्ड बाई सेक्शन 206(c)(1)(1)(f), ये जो हमें दिए हुए सेक्शंस, ये वो सेक्शंस हैं जो हमने जिन पे जो हमारे स्पेसिफाइड गुड्स जिन जिन पे हम पहले से ही TCS पे करते आ रहे थे उन सभी गुड्स पे ये वाला जो सेक्शन होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी जो अदर गुड्स हैं उन पे TCS एप्लीकेबल होगा। एंड इन सभी कंडीशंस के साथ आपको TCS एप्लीकेबल करना है एंड आपको TCS से रिलेटेड इन्वॉइसेस भी बनाने हैं, तो वो हम अभी टैली में देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं TCS पेमेंट्स एंड रिटर्न्स आपको कैसे फाइल करनी है। जैसे TDS की रिटर्न्स हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, वैसे ही सेम आपको TCS की रिटर्न्स भी क्वार्टरली ही आपको रिटर्न्स फाइल करनी है, लेकिन इसमें जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगी वो आपकी नेक्स्ट मंथ की जो सक्सेडिंग मंथ होगा उसमें 7th डेट होगी। जैसे अप्रैल के लिए 7th मई है, क्वार्टर एंडिंग कब होगा, अप्रैल मई जून का 30 जून क्वार्टर एंडिंग होगा। एंड जो ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट है वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, 7th मई, 7 जून, 7 जुलाई। एंड जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो 15 जुलाई है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, अप्रैल मई जून के लिए 15 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 15 अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए 15 जनवरी, एंड जनवरी फरवरी मार्च के लिए 15 मई ड्यू डेट है TCS के रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। ओके, तो अब हमने अभी यहाँ पे ये जाना कि TCS हम कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, क्या क्या रिटर्न्स हमें फाइल करनी है एंड सेल्स ऑफ गुड्स हमें कब एप्लीकेबल करवाना है और किस केस में करवाना है। ओके, तो अब मैं आपको टैली में समझाऊंगी कि आपको टैली में कैसे इसका इनवॉइस बनाना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी तक हम जो सेल्स ऑफ गुड्स पे टैक्स एप्लीकेबल कर रहे थे वो हम GST एप्लीकेबल कर रहे थे। ओके, हम CGST, SGST, IGST कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हमें इन सभी के साथ TCS को भी एप्लीकेबल करवाना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सेल के बिल पे ही
टीसीएस को एप्लीकेबल कर सकते हो, या फिर आप टीसीएस को बाद में भी कस्टमर से ले सकते हो, जिसके लिए आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो कस्टमर को। तो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी कि आपको इसमें कैसे करना है, कैसे आपको इसकी पेमेंट्स करनी है, कैसे आपको इसमें हम कैसे रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हम जो टीसीएस का इनवॉइस बनाएंगे वो हमें सेल के इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करवाना है या फिर हमें अलग से डेबिट नोट करके देना है। मैं दोनों तरह से आपको ट्रांजेक्शन करके बताऊंगी। एंड इसमें आपको सबसे फर्स्ट जो आपकी इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये तो है ये कि टीसीएस आने से आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी भी आइटम्स में डील करते हैं उन सभी आइटम्स पे आपको टीसीएस को एप्लीकेबल करना होगा, आपको टीसीएस के लिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाना होगा, आपको अपने टैक्सेस के लेजर्स में जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इन सभी लेजर्स में भी आपको टीसीएस को एप्लीकेबल करना होगा, सेल्स के लेजर में आपको टीसीएस एप्लीकेबल करना होगा, आपके वो सभी डेटर्स जिनका आपको लगता है कि जिनके साथ जो आपका सेल होता है वो आप बहुत ज़्यादा करते हैं एंड आपको इतना अमाउंट मोर देन 50 लाख रुपीज़ आप एक कस्टमर से रिसीव करते हैं इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो सभी डेटर्स पे आपको पैन नंबर भी ऐड करना होगा, पैन की सारी डिटेल्स देनी होंगी आपको, उनका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ उसमें सेट करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस है टैली में जो हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैली में कि हमें इसमें कैसे कैसे टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अप्लाई करना है। ओके तो यहाँ पे हम आ गए हैं, मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है टीसीएस सेल्स ऑफ गुड्स के नाम से एंड इसमें मैंने अभी कोई भी वाउचर एंट्री नहीं पास की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कैसे एप्लीकेबल करना है टीसीएस को। आपने यहाँ पे F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स पे आना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आपको यहाँ पे कोई भी फीचर को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, आप F11 प्रेस करके डायरेक्टली स्टैचरी एंड टैक्सेशन पे आ जाइए। ओके F11 में स्टैचरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे आपको आना है एंड यहाँ पे जैसे हम GST एप्लीकेबल करते हैं, GST मैंने ऑलरेडी एप्लीकेबल किया हुआ है एंड मैंने दिल्ली से रजिस्टर्ड हूँ एंड मैंने अपना GST नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल किया हुआ है। ओके एंड अब हमें यहाँ पे TCS को भी एप्लीकेबल करना है, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे TCS को आपको एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर TCS डिटेल्स, इसको आपको येस करना है। आपका जो इसमें रिक्वायर्ड है वो है टैन नंबर, तो आपको टैन नंबर प्रॉपर मिलना चाहिए। जैसे TDS के लिए आपका पता है ना पैन नंबर, टैन नंबर सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही TCS के लिए भी आपका टैन नंबर रिक्वायर्ड है। आपको टैन नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कलेक्टर टाइप बताना है, यहाँ पे हमने कलेक्टर ब्रांच दे दिया, तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपको देनी है। एंड यहाँ पे आप अपनी कंपनी का भी पैन नंबर फिल करोगे, तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल दिया है एंड उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके तो अभी हमने TCS को एप्लीकेबल कर लिया है अपनी कंपनी में। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे इसमें लेजर्स को क्रिएट करना है एंड कैसे हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बनानी है। तो अगर हम यहाँ से देखें अकाउंट्स इन्फो में, हमारे पास यहाँ पे स्टैचरी इन्फो आता है TCS नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने बनाया है TCS नेचर ऑफ गुड्स सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ पे हमने लिया है नेम एंड सेक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे 206C1H। पेमेंट कोड अभी गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे स्किप करना होगा। यहाँ हम रेट ले लेंगे 0.075% एंड विदाउट पैन 0.10%, यहाँ पे हम 0.1% ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो टैक्स होगा वो हमने यहाँ पे देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे अभी हमें नहीं देनी है। ये हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ये हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमें मैन्युअली इसको क्रिएट करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किए हुए हैं TCS के लिए, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, उनके सेक्शंस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप Ctrl+C हेल्पर बटन यूज़ कर सकते हैं। अभी हेल्पर बटन यहाँ पे नहीं शो होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे हम नहीं हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं, हेल्पर बटन पे आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स सारे सेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी ये जो सेक्शन है ये अभी न्यू है, तो ये अभी टैली में अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसको मैनुअली ही करना होगा। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, ये सारा कुछ डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे Alt+L प्रेस करना है डिटेल्स के लिए। एंड यहाँ आपको ये क्यों प्रेस करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम, आपको यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी डेट देनी है कि TCS को आपको कौन सी डेट से एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे डेट आपको 1st October सेट करनी होगी एंड उसके बाद आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ओके
अब यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स बनाने के बाद हमने कुछ लेजर्स बनाए थे, तो लेजर्स में मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से लेजर्स बनाए हैं। तो एक मैंने पार्टी बनाई है अंशेंट कंपनी के नाम से, जो कि मेरी डेटर है, एंड यहाँ पे मैंने TCS को एप्लीकेबल किया हुआ है। बायर लेसी टाइप यहाँ पे हमने लिया हुआ है इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको अपना जो कलेक्टिव टाइप है ना वो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पर्सन है, वो कोई कंपनी रेजिडेंट है, वो कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। जैसे हम TDS में कलेक्ट करते थे, यहाँ पे TDS में हम डिडक्टिव टाइप बताते थे ना, एज इट इज़ वैसे ही आपको यहाँ पे कलेक्टिव टाइप जो है वो बताना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैंने स्टेट ले रखा है, GST नंबर तो हम नॉर्मली देते ही हैं, एंड पैन नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये काम आपका बढ़ गया है कि आपको वो सभी डेटर्स के लिए जो पैन नंबर की डिटेल्स हैं एंड जो स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन है TCS से रिलेटेड, वो आपको सब कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे CGST का लेजर मैंने बनाया हुआ है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST सेंट्रल टैक्स, अभी तक हम यही सब करते थे, लेकिन अब इसमें आपको TCS को भी एप्लीकेबल करना है, एंड नेचर ऑफ गुड्स ये भी आपको एप्लीकेबल करना है। सेल ऑफ एनी गुड्स हम यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स जो मैंने TCS के लिए बनाया था वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है IGST के लिए भी मैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड यहाँ पे आप देखेंगे TCS को एप्लीकेबल किया हुआ है, नेचर ऑफ गुड्स को सेलेक्ट किया हुआ है। एज इट इज़ यहाँ पे सेल्स का आप लेजर लेंगे, सेल्स में हम अभी तक GST को ही एप्लीकेबल करते आ रहे थे, तो आपको यहाँ पे अब TCS को भी एप्लीकेबल करना होगा, नेचर ऑफ गुड्स आपको सेलेक्ट करना होगा, एंड फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने SGST भी लिया है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लिया है, ये तो नॉर्मल है जो हम बनाते ही हैं, सिर्फ आपको TCS को एप्लीकेबल करना है एंड यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स को सेलेक्ट करना है। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स ये हमने एक और लेजर क्रिएट किया है, वो हमने नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट किया था TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के नाम से होगा। TCS आप सेलेक्ट करोगे, जैसे हम नॉर्मल TDS बनाते थे, TDS ऑन रेंट, TDS ऑन लॉटरीज और विनिंग प्राइजेस, तो एज इट इज़ वैसे ही हम TCS का भी लेजर क्रिएट कर रहे हैं। सेल ऑफ एनी गुड्स यहाँ पे आप नेचर ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे, एंड वंशन कंपनी एक और मैंने पार्टी ली हुई है जो मैंने दिल्ली से ही ली है, एक और मैंने यहाँ पे अपना डेटर जो है वो बनाया हुआ है, एंड ये सब लेजर्स हैं जो हमें बनाने हैं, एंड इन सब में आपको TCS के लिए कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। ओके, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है हमारा आइटम्स। मैंने आपको बोला था कि आइटम्स पे भी आपको TCS को एप्लीकेबल करना होगा। ओके, तो अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे आइटम जो है वो नॉर्मल मैंने आइटम 1 के नाम से बना दिया। आपका जो भी सेल ऑफ गुड्स होंगे, जिन भी गुड्स में आप डील करते हैं, उन सभी गुड्स का आप यहाँ पे ऑल्टरेशन करके आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा। TCS को आप एप्लीकेबल करेंगे, एंड नेचर ऑफ गुड्स आपने सेल ऑफ एनी गुड्स यहाँ पे लेके एक्सेप्ट करना है। तो सभी लेजर्स में, सभी आइटम्स पे आपको ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। आफ्टर 1st of October ये सारी चीज़ें आपको इसमें एप्लीकेबल करनी है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जो सेल किया है, जो मैंने TCS एप्लीकेबल करना है, वो मैंने किसी कस्टमर को सेल के बिल पे एप्लीकेबल करके देना है। ओके, तो अब हम इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, एंड यहाँ पे मैं अभी सेल्स के वाउचर पे हूँ। यहाँ आप देखेंगे नॉर्मली हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हमारा फीचर होता है, ये जो हमारा ऑप्शन होता है, ये हमारा यस रहता है। ओके, जिससे यहाँ पे हमें सेल्स लेजर लिखा हुआ मिलता है। ओके, बट आपको इसमें जब आप सेल की ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन लेजर को इनेबल नहीं करना है, आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है, एंड ये वाले फीचर को आपको नो रखना होगा, एंड और भी कुछ आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल करना है, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर TCS। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है। अगेन आप एक बार और F12 प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर। ये ऑप्शन आपको बताएगा कि कस्टमर का टर्नओवर कितना हो चुका है, मतलब कितना पैसा अभी आपको उससे लेना है। टर्नओवर मतलब टोटल 50 लाख से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ये वाला ऑप्शन बताएगा। अदरवाइज तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन को येस कर सकते हो, ताकि वो आपके कस्टमर का जो टर्नओवर होगा वो आपको ट्रांजेक्शन करते टाइम ही शो कर देगा। ओके, तो हम यहाँ पे
ये फीचर्स को कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन डालते हैं। 101 मैंने रेफरेंस नंबर ले लिया एंड यहाँ पे मैं पार्टी अकाउंट नेम ले लेती हूँ अंशन कंपनी के नाम से। यहाँ पे एक बार हम एग्जांपल से देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे मैं पहले आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाए कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हम पहले एक बार कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन किया है, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा टोटल सेल होगी, सपोज़ मेरी जो टोटल सेल है वो 70 लाख रुपीस की होगी। टोटल जो मेरी सेल होगी वो 70 लाख रुपीस की होगी इनटू, अगर मैं इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करूँगी तो 18 डिवाइड बाय 100। ये मैंने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर मेरे पास 70 लाख रुपीस प्लस 12,60,000 रुपीस, ये टोटल अमाउंट बनेगा टैक्स के साथ, मतलब जीएसटी के साथ जो मेरा इनवॉइस वैल्यू बनेगी वो बनेगी 82,60,000 रुपीस। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारी जो मतलब मुझे टोटल कितना अमाउंट लेना है कस्टमर से, 82,60,000 रुपीस, बट हमारा तो जो लिमिट थी वो 50 लाख रुपीस थी, इसका मतलब ये तो एक्सीड हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 82,60,000 रुपीस में हम माइनस कर देंगे 50 लाख रुपीस जो हमारी लिमिट थी, ये हमने 50 लाख रुपीस की लिमिट ली है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 32,60,000 रुपीस का वो अमाउंट है जिसके ऊपर TCS कलेक्ट होना है। ओके, 32,60,000 रुपीस का वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमें TCS को कलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 0.075% ऑन 32,60,000 रुपीस। ओके, तो ये सारा प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया होगा तो अब हम इसको एप्लीकेबल करते हैं अपने सेल्स के इनवॉइस पे। तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल एम से कैलकुलेटर को ऑफ कर रही हूँ एंड नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे आइटम ले रही हूँ। अभी हम जो भी आइटम लेंगे वो हमारी अभी नेगेटिव में ही शो हो जाएगी क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो यहाँ पे हम सपोज 1000 हमने क्वांटिटी ले ली है एंड यहाँ पर मैंने अमाउंट ले लिया है 7000 रुपीज़। तो आप देखेंगे मेरे पास जो टोटल अमाउंट हो गया वो 70 लाख रुपीज़ हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप 70 लाख रुपीज़ एंटर करेंगे एंड सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो कर रहा है सेल ऑफ एनी गुड्स एंड यहाँ आपको असेसिबल वैल्यू शो कर रही है। ओके, असेसिबल वैल्यू आपको कितनी शो कर रही है, 70 लाख रुपीज़। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको जो अगर ये असेसिबल वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आपको F12 प्रेस करना है यहाँ पे एंड ये ऑप्शन आपको येस करना है, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ असेसिबल अमाउंट, ये आपको यहाँ पे येस करना होगा एंड यहाँ पे आप असेसिबल वैल्यू देंगे वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर TCS कलेक्ट होना है। ओके, वो वैल्यू जिसके ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है उस वैल्यू को आपने यहाँ पे लेना है। ओके, तो अभी जो 70 लाख है उसमें से मेरा जो एक्सीड हो रहा है वो कितना है, 20 लाख रुपीस। ये जो मैंने यहाँ पे दिया ये मैंने 20 लाख रुपीस दे दिया है सेल ऑफ एनी गुड्स। और अगर आप किसी भी कस्टमर के लिए नहीं देना चाहते हो, मतलब आप TCS को नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो, आप जो सेल कर रहे हो वो कम अमाउंट का कर रहे हो, 50 लाख से कम का कर रहे हो, तो उस केस में आपको TCS को एप्लीकेबल नहीं करना है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी हम इसमें ज़्यादा का कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं जो अमाउंट है यहाँ पे 20 लाख रुपीस ले रही हूँ जिसके ऊपर जो कि मेरा ये 70 लाख से 20 लाख ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 20 लाख रुपीस ले लेंगे, एंटर करेंगे एंड अब हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करवाएंगे CGST एंड यहाँ पे भी सेल ऑफ एनी गुड्स आएगा, इसको आपने एज इट इज़ एंटर करते रहना है क्योंकि हमने CGST और SGST के लेजर्स में भी TCS को एप्लीकेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का लेजर पिक करेंगे एंड आप देखेंगे यहाँ पे 2445 अमाउंट जो है ये आपका 0.075% हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। असेसिबल वैल्यू जो TCS के लिए थी वो 20 लाख रुपीज़ थी एंड उसके बाद जो हमारा CGST SGST लगा था उसके ऊपर भी हमें TCS को एप्लीकेबल करना था, तो 0.075% के अकॉर्डिंग 2445 अमाउंट है जो हमारा कैलकुलेट होके आता है। अगर आपको यहाँ पे
टैक्स एनालिसिस देखना है, अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट ए, एंड डिटेल के लिए आप यहाँ पे करेंगे ऑल्ट एफ वन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो TCS ऑन गुड्स है वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है 0.075%। तो वो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 2445 आ रही है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अमाउंट है जिस पे हमारा TCS कैलकुलेट होना चाहिए वो है 3260,000 रुपीज़, एंड उस पे हमारा 0.075% कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने कैलकुलेटर में आपको करके दिखाया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी ये सारी कैलकुलेशन हुई थी, तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी 3260,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3260,000 रुपीज़ ही वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा TCS कलेक्ट हुआ है, एंड मैंने यहाँ पे 0.075% भी कैलकुलेट करके देखा है, तो वो जो अमाउंट आ रहा है मेरे पास 2445 रुपीज़ आ रहा है, जो कि टैली हमें बिल्कुल एक्यूरेट शो कर रहा है। ओके, अब अगर मैं इस इनवॉइस पे, जैसे मैंने TCS भी कलेक्ट किया हुआ है, TCS भी कैलकुलेट किया हुआ है, अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ एंड मैं अपने इनवॉइस पे भी इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अब आप जब ट्रांजेक्शन्स करें तो आपने जो ये ट्रांजेक्शन्स करनी है, क्योंकि TCS अक्टूबर में के बाद ही अप्लाई हुआ है, 1 अक्टूबर से ही TCS एप्लीकेबल हुआ है, तो अगर आप कोई भी पहले डेट्स की ट्रांजेक्शंस करेंगे तो उन पे TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि ट्रांजेक्शन सारी अक्टूबर के बाद वाली ही होंगी इसमें। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑल्ट पी से प्रिंट देखते हैं। प्रिंट में यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 प्रेस करूंगी, एंड यहाँ पे दोबारा से आपको एक बार और F12 प्रेस करना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट TCS डिटेल्स, ये ऑप्शन आप अगर येस कर लेंगे तो जब आप इनवॉइस प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे आप इनवॉइस देखेंगे तो यहाँ आपके पास इनवॉइस में शो हो जाएगा जो TCS है 0.075% करके, ये हमारी कैलकुलेशन है जो हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे TCS कैटेगरी यहाँ पे बताई हुई है 0.075%, ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे है जो कैलकुलेट किया हुआ है, एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे डे बुक पे जाएंगे और ट्रांजेक्शन देखेंगे अपनी, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ दोबारा से, एक बार आप देखेंगे इसकी ट्रांजेक्शन को, टोटल जो हमारे पास ये इनवॉइस आ रहा है, इसमें मैं आपको इनवॉइस में ये शो करवाती हूँ। ये हमने TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स बनाया था, एंड इसमें हमने इसको कैलकुलेट करवाया है। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमसे पूछता है दी टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, तो आपने इसको ओवरराइड करना है, ओ प्रेस करेंगे आप उसके लिए, एंड ये आप देखेंगे हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है जिसमें हमने सेल के इनवॉइस पे ही TCS को कलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टैचुरी रिपोर्ट्स में आपके पास TCS रिपोर्ट्स आती हैं, एंड फॉर्म 27EQ के अंदर आपकी ये रिटर्न्स बनती है, एंड यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास जो कलेक्टेड अमाउंट आ रहा है, कलेक्टेड करंट पीरियड जो आपने कलेक्ट कर लिया है, दैट इज 2445 रुपीज़। ओके, एंड ये आपका बैलेंस पेबल आपको शो कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो पीरियड तो हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा एक क्वार्टर हमें शो कर रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस पेबल आ रहा है वो 2445 रुपीज़ आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि हमें सेल के इनवॉइस पे TCS कलेक्ट नहीं करवाना है हमें, क्योंकि देखिए लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपने तब TCS कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से, अपने डाटा से, जब आप 50 लाख रुपीज़ रिसीव कर लेते हैं तभी आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके ऊपर, 50 लाख रुपीस से ऊपर अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है। तो आप उसी टाइम सेल के इनवॉइस पे अगर नहीं कलेक्ट करना चाहते हो, चलिए यहाँ पे हम सेकेंड इनवॉइस अपना एंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमने अनशेन कंपनी ले लिया है, एंड यहाँ पे मैंने अपनी आइटम ले ली है,
नेम ऑफ आइटम हम लेके जो भी आइटम आपकी होगी वो आप ले लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 300 ले लिया है एंड मैंने अमाउंट यहाँ पे ले लिया है 25,000 रुपीज़, तो टोटल मेरे पास जो अमाउंट बना वो बना 75 लाख रुपीज़। ओके, तो मेरे पास जो लिमिट है वो तो 50 लाख रुपीज़ है जिसके ऊपर हमारा TCS कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अमाउंट मेरी एक्सीड है। बट मैं सेल्स की इनवॉइस पे TCS को कलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे असेसिबल वैल्यू में तो देंगे जिस पे आप टैक्स को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, बट हम यहाँ पे TCS का लेजर नहीं लेंगे। तो नॉर्मल हम यहाँ पे CGST उठाएंगे, STST उठाएंगे एंड इसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने CGST लिया, STST लिया और उसके बाद आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ओके, तो ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया है 88,50,000 रुपीज़। एंड जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टैक्स मॉडिफिकेशन पूछेगा, जिसके लिए आपको ओ प्रेस करना है ओवरराइड करने के लिए। एंड यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे डिस्प्ले में, स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे, आप TCS रिपोर्ट्स पे जब आएंगे तो यहाँ फॉर्म 27EQ जिसमें आपकी क्वार्टरली रिटर्न आप जिसके लिए फाइल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बैलेंस कलेक्टेबल शो करेगा 2,888 रुपीज़, जो आपका अमाउंट बनता है जिसके ऊपर आपका TCS कैलकुलेट होना चाहिए। ये आपका 2,888 अमाउंट होगा एंड ये अमाउंट के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा जब आपको अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव होगा। तो आप बाद में भी डेबिट नोट से अकाउंट को इंक्रीज करवा सकते हो, 2,888 अमाउंट है, तो ये अमाउंट से आपको डेबिट नोट बनाना है। डेबिट नोट के लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, यहाँ आप प्रेस करेंगे Ctrl+F9 डेबिट नोट। नेम ऑफ आइटम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऑल टाई करके आइटम को हटा देना। पार्टी अकाउंट नेम में मैंने यहाँ पे अनचेन कंपनी ले लिया है। पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पे TCS ऑफ ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ले लेंगे एंड जो हमारा अमाउंट है 2,888 रुपीज़ है। एंटर करेंगे आप, अगेंस्ट रेफरेंस ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो सेकंड इनवॉइस है 88,50,000 रुपीज़ का, इसी के अगेंस्ट हम ये डेबिट नोट को बना रहे हैं। एंड सेकंड हम न्यू रेफरेंस ले लेंगे तो ये हमारा अमाउंट ऐड होके अपने आप यहाँ शो करेगा एंड आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये डेबिट नोट हमारा अच्छे से बन चुका है। डिस्प्ले में अपनी रिपोर्ट को चेक कीजिए, स्टैचुरी रिपोर्ट्स में, TCS रिपोर्ट्स में, फॉर्म 27EQ के अंदर आपको अभी भी जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस कलेक्टेबल ही शो कर रही है डेबिट नोट इशू होने के बाद भी। ये ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो कर रही है, अभी आप देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में ये आपकी ट्रांजेक्शन आ रही है जो आपने अभी डेबिट नोट बनाया है। आपको क्या करना है, आपकी जो ये ट्रांजेक्शन है ये देखिए क्या कह रहा है, TCS कलेक्टेड बट नॉट लिंक्ड विद सेल्स वाउचर, ये आपने सेल वाउचर से लिंक नहीं किया हुआ, तो आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे आप लिंक करेंगे, एंटर करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑटोफिल, फुल एंड पार्शियल ये ऑप्शंस आएंगे। आपको सबसे पहले ऑटो फिल करना है, अगर आप ऑटो फिल करेंगे तो लिंक टू कलेक्शन में अपने आप यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट फिल हो जाएगा। आप F4 प्रेस करेंगे तो भी वही फुल अमाउंट आपको रिसीव हो गया है। अगर आप पार्शियल लेते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि अगर आपको पूरा अमाउंट नहीं मिला है, अगर हाफ ही अमाउंट पे किया अभी कस्टमर ने तो कितना अमाउंट पे किया है, फिर आपको यहाँ पे वो वाली वैल्यू देनी पड़ेगी हाफ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पूरा ही अमाउंट ले रहे हैं तो मैंने ऑटो फिल कर दिया F3 से एंड उसके बाद हम इसको सेव करेंगे F6 से, आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे ट्रांजेक्शन आपकी अनसर्टेन से रिमूव हो जाएगी एंड अब आपकी जो कलेक्शन है, जो टोटल कलेक्टेड अमाउंट आ रही है वो 5,333 रुपीज़ आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपकी पेबल अमाउंट है। ओके, एंड जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहीं से प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ एस स्टैट पेमेंट, जैसे हम TDS की पेमेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे सेम आपको स्टैट पेमेंट करना है। चलिए अब हम इसकी पेमेंट कर लेते हैं, 5,333 रुपीज़ जो बैलेंस पेबल हमें शो कर रहा है उसकी आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ से आप ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, स्टैट पेमेंट पे जाएंगे, TCS सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैक्स टाइप में पीरियड ले लेंगे, यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर पीरियड लिया है, फ्रॉम 31 अक्टूबर टिल 31 अक्टूबर हम अक्टूबर मंथ के लिए पेमेंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे कलेक्टेड टिल डेट, जो भी डेट को आपने कलेक्ट किया है वो डेट आप यहाँ पे लेंगे। सेक्शन आपके पास शो होएगा सेल ऑफ एनी गुड्स आप ले लेंगे, कलेक्टिव स्टेटस में हम ऑल आइटम्स ले लेंगे, रेजिडेंट लेंगे, एक्सिस बैंक पिक करेंगे, ये पूरा अमाउंट हमारा यहाँ पे पिक हो जाएगा एंड आप उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखेंगे आप पेमेंट की ट्रांजेक्शन के बाद, आपको ये ट्रांजेक्शन करने के बाद भी बैलेंस पेबल ही शो कर रहा है एंड यहाँ आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में शो कर रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें बैंक डिटेल्स को
देना होगा जिससे ये आपका बैलेंस पेड शो करे, डीडी नंबर, डीडी डेट, ये सब चीज़ें आपको देनी होंगी। चलान नंबर देंगे, डेट दे देंगे, ये सारी आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपनी जो TCS का चलान होगा उससे आपने रिकनसाइल कर लेना है। बैंक नेम आप यहाँ पे ले लेंगे एंड ब्रांच आप यहाँ पे ले लेते हैं एंड उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पेमेंट की डिटेल्स थी वो हमारी रिकनसाइल हो चुकी है एंड उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में मेरी ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में भी शो कर रही है। अब यहाँ पे मेरे को टोटल पेड दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस पेमेंट का वैसे ही है TCS का भी जैसे हमने TDS की पेमेंट की थी। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में TDS की वीडियोज़ के लिंक भी डाल दूंगी, अगर आप TDS भी देखना चाहते हैं तो TDS भी देख सकते हैं एंड उसमें भी आप देखेंगे कि पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पे ये जो मैंने आपको अभी TCS के बारे में समझाया है इस वीडियो में वो मैंने आपको विदाउट TCS चेंजेस जो अभी अपडेट नहीं हुए हैं टेलीसॉफ्टवेयर में उसके बिना ही अभी बताया है कि आप कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट मैंने आपको सिनेरियो बताया जिसमें अगर आपको सेल्स इनवॉइस पे TCS को कलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे एंड सेकंड अगर आपको सेल्स इनवॉइस पे TCS कलेक्ट नहीं करना है आप कस्टमर को बाद में डेबिट नोट इशू कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग भी आप जो TCS है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके एंड उसके बाद आपको डेबिट नोट को सेल से लिंक करना होता है जैसे कि अभी हमने किया था एंड उसके बाद हम पेमेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस आप अभी ले सकते हैं, अभी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तो 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है तो अभी मार्केट में अभी इसकी कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि हमें कैसे एप्लीकेबल करना है, लेकिन अभी टेलीसॉफ्टवेयर में अपडेशन आएगा TCS को लेकर तो उसमें हम देखते हैं कि कैसी चीज़ें होंगी जो टैली हमें देगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप करेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको मैनुअली कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, टैली ऑटोमेटिक अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। तो तब तक के लिए आप ये वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।